तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आज मैं फिर से आपके लिए अनबॉक्सिंग लेके आया हूँ ये मार्वल के सेट, टॉय सेट्स की, जिसमें आपको मिलेगा कैप्टन अमेरिका, थैनोस, स्पाइडरमैन, हल्क और आयरन मैन। तो चलो इस एक्शन फिगर्स को अनबॉक्स करते हैं। तो यहाँ से निकलेगा, लेकिन यहाँ पे टेप लगी हुई है। एक मिनट, पहले हमें टेप निकालनी चाहिए। तो टेप तो निकल चुकी है, और अब इनको खोलते हैं और देखते हैं कैसे इनका क्या क्या मूव करता है और इनकी एक्सेसरीज भी लगाएंगे। सबसे पहले हम कैप्टन अमेरिका से शुरू करते हैं। इसका जो कलर है वो इतना खास नहीं है, ठीक ठीक है, लेकिन वैसे माना जाए तो बहुत अच्छा एक्शन फिगर। इसका हेड 360 रोटेट है, आर्म्स भी इसकी मूव करती है, इसका ये वाला आर्म भी मूव करता है ऐसे, और यहाँ इसके थोड़े थोड़े लेग्स भी मूव करते हैं। इतना ज्यादा नहीं करने चाहिए, वरना टूट सकता है। तो चलो इसकी अब हम वो लगाते हैं, शील्ड लगाते हैं। ये इसकी शील्ड है, ये भी प्लास्टिक की बनी है। चलो अब इसको लगाते हैं, फिर अगले एक्शन फिगर्स को भी अनबॉक्स करते हैं। तो मैंने यहाँ पर सील लगा चुकी है। बड़ा ही कूल एक्शन फिगर है। आप चाहे तो इसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, कहीं से भी ले सकते हैं। आप चाहे तो ऑफलाइन मार्केट से भी ले सकते हैं, मतलब दुकानों से भी ले सकते हैं, आपको मिल जाएंगे कुछ 600-500 के। चलो अब हम थैनोस की अनबॉक्सिंग करते हैं। इसको हम साइड में रख लेते हैं। और ये है हमारा थैनोस। इन्फिनिटी वॉर में थैनोस जीत गया था, लेकिन एंड गेम में हार गया था। ये स्मॉल साइज फिगर्स हैं, प्लास्टिक के बने, और ये थैनोस है। इसका हेड ज्यादा मूव नहीं करता, तो मूव मत ही कीजिए। नहीं, एक मिनट, नहीं, 360 रोटेट है और आर्म्स में मूव करती है कैप्टन अमेरिका की तरह। लेग्स में इतनी ही मूव करेगी, नहीं, कैप्टन अमेरिका की ज्यादा की थी। ये थोड़ा ज्यादा वो नहीं है, इसकी लेग्स ज्यादा वो है, टाइट। तो चलो अब हम स्पाइडरमैन को निकालते। इसके साथ दो एक्सेसरीज है, वो भी मैं आपको लगा के दिखाऊंगा। पहले इसकी क्वालिटी बात करते हैं। और देखा जाए तो ये बड़ा अच्छा फिगर लगा मेरे को, कैप्टन अमेरिका थैनोस से ज्यादा अच्छा लगा। इसकी कलरिंग अच्छी की गई है, और देखा जाए तो अच्छा फिगर है यार। इसके भी आर्म्स मूव करते हैं, हेड भी 360 रोटेट है, और इसके भी पैर, भाई पैर तो बहुत ज्यादा मूव करते हैं। तो चलो इसकी पहले ये वाली एक्सेसरी लगा देते हैं। मेरे को लगता है इधर लगेगी, यहाँ पे ये वाली एक्सेसरी तो लग, अरे यार ये पता नहीं कैसे लगेगी। हाँ, ये एक्सेसरी तो लग चुकी है। अब हम दूसरी एक्सेसरी भी लगाते हैं। ये है दूसरी एक्सेसरी, हमें शायद ये यहाँ पर लगानी है। ये भी लग चुकी है। तो ये जो स्पाइडरमैन वाला है, ये बड़ा कूल फिगर है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। अब इसको साइड रखते हैं। अब हमारी वीडियो ख़त्म होने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसी अनबॉक्सिंग की वीडियोस का मज़ा लीजिए। तो अब हम हल्क को निकालते हैं। इसमें बड़ा दम लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी हमने हल्क को निकाल दिया है, और ये ज़्यादा वो नहीं है, ये थोड़ा सारे एक्शन फिगर से थोड़ा ज्यादा हल्का है। इसके भी आर्म्स मूव करते, वही 360 रोटेट हेड, और इसकी लेग्स भी मूव करती हैं। और इसकी क्वालिटी की बात करें तो पेंट तो अच्छा किया है, लेकिन प्लास्टिक है और बहुत ही हल्का है। तो चलो अब वीडियो एंड कर होने वाली है, तो हम आ रहे हैं अपने आखिरी फिगर को भी निकाल लेते हैं और वीडियो को एंड करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए,
और लाइक भी कीजिए। आप इन्हें ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों जगह से ले सकते हैं। तो चलो सबसे पहले इसकी ना लेग्स बहुत ज्यादा मूव करती है, देखना इसकी लेग्स तो भाई साहब बहुत ज्यादा मूव करती है। ये वाली भी पूरी की पूरी मूव कर जाएगी, तो कोई टेंशन नहीं है, ये ऐसे नहीं टूटेगा। और ये इसकी आर्म्स भी मूव करती हैं, इसका हेड भी 360 रोटेट है। तो हमारी आज की अनबॉक्सिंग तो हो चुकी है, होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू।